मध्य प्रदेश में 43 नगरीय निकाय चुनाव में हुए मतदान के बुधवार को परिणाम आ गए। इनमें 26 सीटें भाजपा, 14 सीटें कांग्रेस को मिली, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा कर लिया। इन निकायों में 11 अगस्त को मतदान हुए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में 25 रुपए में दिन रात का भोजन देने वाली इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के जयनगर में इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि नाश्ता और दिन रात का खाना खाने पर 25 रुपया खर्च होगा, जबकि सरकार 32 रुपए सब्सिडी देगी। कुल 198 कैंटीन खोले जाएंगे। गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा सूबा बदहाल है। रविवार को ही स्वाइन फ्लू से एक दिन में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस साल अब तक 208 लोगों की जान स्वाइन फ्लू की वजह से जा चुकी है। अहमदाबाद शहर स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। त्रिपुरा के सीएम मणिक सरकार ने आरोप लगाया है कि 15 अगस्त के दिन उनकी स्पीच को प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्ट नहीं होने दिया। इन आरोपों पर बुधवार को प्रसार भारती ने कहा, त्रिपुरा सीएम की स्पीच आजादी की भावना के खिलाफ थी और ये ऐसे मौके पर दी जाने वाली स्पीच के स्टैंडर्ड की नहीं थी, ये पॉलिटिकल स्पीच ज्यादा थी। पैन कार्ड नंबरों को ब्लॉक करने के बाद सरकार का चाबुक आधार कार्ड पर चला है। केंद्र सरकार ने करीब 81 लाख से ज्यादा आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं। सरकार के इस कदम का असर सबसे ज्यादा बच्चों और युवाओं के आधार कार्ड पर पड़ा है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। सरकार ने 5 साल की उम्र पार करने वाले बच्चों के आधार कार्ड भी ब्लॉक कर दिए हैं, जिनके माता पिता ने 2 साल का ग्रेस पीरियड बीत जाने के बाद भी इनको अपडेट नहीं कराया है। चीन ने कहा है कि उसे लद्दाख में पेगोंग झील के किनारे भारतीय क्षेत्र में पीएलए के जवानों के घुसने संबंधी रिपोर्ट्स की कोई जानकारी नहीं है और वह सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सीमा के रक्षकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसने की चीनी सैनिकों की कोशिशों को मंगलवार को नाकाम कर दिया था, जिसके बाद पथराव हुआ और उसमें दोनों तरफ के लोगों को मामूली चोटें आई थी। अब देश के कई अन्य शहरों में मेट्रो नेटवर्क के निर्माण की राह आसान हो गई है। कैबिनेट ने देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए बुधवार को नई मेट्रो रेल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस नई पॉलिसी में लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम का चयन सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। भारत की आईटी मिनिस्ट्री के आदेश पर भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ब्लू व्हेल चैलेंज नहीं रुक पाया। इस जानलेवा चैलेंज को फैलने से रोकने के लिए 2 बार सोशल मीडिया साइट्स को निर्देश दिए गए थे। इसके बाद महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गृह मंत्री और आईटी मंत्री को पत्र भेजकर सोशल मीडिया से इस चैलेंज को हटाने की अपील की है। उनके मुताबिक ये चैलेंज 100 युवाओं की जान ले चुका है, इसलिए इसे फैलने से रोकना चाहिए। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बीच बुधवार को घरेलू स्टॉक मार्केट की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 117 अंक बढ़कर 31,566 अंक पर और निफ्टी 32 अंक की तेजी के साथ 9,826 अंक पर खुला है। लीलावती हॉस्पिटल से 5 दिनों पहले डिस्चार्ज हुए दिलीप कुमार से मिलने हाल ही में शाहरुख खान उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात की फोटोज सायराबानों ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की। इनमें शाहरुख दिलीप कुमार को माथे पर किस करते और उनके साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पोस्ट में सायरा ने बताया कि शाहरुख दिलीप साहब के मोहबोले बेटे हैं।